Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to solve one example of PAL. PAL means programmable array logic, and these are the equation. In equation ko hum implement karenge using PAL. So before implementing, hume pata hona chahiye ki what is the meaning of PAL ya PAL ke circuits hote kaise hain. We all know ki in case of PLDs, at input side hum use karte hain AND array and output side hum use karte hain OR array. So now in case of PAL, programmable AND array at input, done, and output side fixed OR array. ठीक है, ये होगा output side. ठीक, now मैं इसमें implementation table नहीं बना रही हूँ, आप बना भी सकते हो, आप मेरे previous examples देख सकते हो. यहाँ पर हम नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा. यहाँ पर हमारे जो three function हैं D1, D2, D3, इनमें number of variables कितने हैं, ए बी सी. तो ए बी सी मीन्स कि ये फंक्शन है हमारे थ्री वेरिएबल्स के, तो हम थ्री वेरिएबल्स लेते हैं ए बी सी. ठीक है, डायरेक्ट भी होंगे और ये विथ बार भी हैं, मीन्स कि हम नॉट गेट के थ्रू लेंगे इनके बार. ठीक है, ये ए था, नॉट गेट को दिया तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए बार. दिस इज बी, आउटपुट ऑफ नॉट गेट बी बार. दिस इज सी, आउटपुट ऑफ नॉट गेट विल बी सी बार. ठीक, हाउ मेनी AND गेट्स इज रिक्वायर्ड फॉर ईच फंक्शन. तो इन केस ऑफ पी ए एल वेयर OR array इज फिक्स्ड, तो हमें काउंट करने होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म मैक्सिमम होगा उतने ही नंबर ऑफ गेट्स यूज होंगे फॉर ऑल. ठीक, तो इन दिस केस 1 2 3, थ्री प्रोडक्ट टर्म्स मीन्स की थ्री AND गेट फॉर D1, 1 2 2 AND गेट, बट दिस इज फिक्स्ड तो हम यहाँ यूज करेंगे थ्री AND गेट. 1 2 3, अगेन थ्री, मीन्स की फॉर ऑल फंक्शन वी यूज थ्री AND गेट. These three AND gate for D1, हमने इनको fix दिया OR को, and output of this OR gate will be D1. ठीक, now 1 2 3, these three are for D2. ये तीनों किसके लिए हैं, D2 के लिए, ये D2. now 1 2 3, इनकी आउटपुट कहाँ जाएगी, fixed OR gate को, and this will be D3. output का portion हमने done कर दिया. now अब हम connections करते हैं. तो सबसे पहले मैंने wired input दे दिया सबको. now एज वी नो कि AND array इज प्रोग्रामेबल, तो हम इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं चेक करते हैं. फर्स्ट टर्म इज ए बार बी बार सी, तो ए बार हमें कहाँ से मिल रहा है, बी बार एंड सी, डन. नाउ सेकेंड टर्म इज ए बार सी बार, तो ए बार की सी बार. नाउ नेक्स्ट टर्म इज ए बी बार सी, मीन्स ए बी बार एंड सी, डन. हमने D1 का डन कर दिया. नाउ फॉर D2, फर्स्ट टर्म इज ए बी बार सी, मीन्स ए बी बार and C. Now second term is B bar C bar, means B bar C bar. There is no third term, तो इस AND gate को हम क्या करेंगे, cross, means कि ये किसी के साथ भी connected नहीं है. Now for D3, first term is A bar B C, A bar means A bar B and C. Now next term is A bar B, means A bar and B. Now third term is A bar B C bar, means A bar B and C bar. सी बार की लाइन. ठीक, तो दिस इज द फाइनल डायग्राम फॉर दिस इक्वेशन यूजिंग PAL. स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.